10 तोले सोना पे कितनी ज़कात बनती है? 10 तोले सोने पर ज़कात? जी जी, तो असल में इसमें ये होता है कि सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना, और 7.5 तोले सोने में अब ये चूँकि बढ़ चुका है, तो अब ये जो इजाफी सोना है निसाब से जो जायद सोना इसके पास आ गया, तो इसमें फार्मूला शरीयत मुताहरा का ये है कि सोने के निसाब के हम 5 हिस्से करेंगे। ठीक है, तो 7.5 तोले को अगर हम 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हिस्से में 1.5 तोला ठीक है ये आता है। इस एक हिस्से को शरीयत मुताहरा की इस्तेलाह में खुम्स कहा जाता सही। है खुम्स निसाब ठीक है। तो अब सोने का निसाब है 7.5 तोला सोना, अब इसके ऊपर जितना भी सोना जायद होगा तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि वो जायद सोना ये खुम्स निसाब के बराबर है या कम है। सही, अगर कम है 7.5 के ऊपर मजीद जैसे सोना नहीं? मिसाल के तौर पर 7.5 तोले सोना निसाब है, अब इनके पास है 8.5 तोला यानी सिर्फ 1 तोला पड़ा, 1 तोला इजाफी है, तो ये 1 तोला जो इजाफी है ये 7.5 तोले का जो खुम्स है 5वां हिस्सा उससे कम मिकदार है, 1/5 हिस्से की मिकदार है 1.5 तोला। तो अब 7.5 तोले पर ज़कात होगी, जो इजाफी 1 तोला है 8.5 तो उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, सिर्फ हाँ, एक पर नहीं है जी, इस 1 तोला पे नहीं है, बकिया 7.5 तोला पे ज़कात होगी। अच्छा, अब इसके बजाय अगर यूँ होता कि किसी के पास 9 तोला सोना होता तो 9 तोला सोना होने में 7.5 तोला ये निसाब पूरा हो गया, इजाफी जो सोना है वो खुम्स निसाब के बराबर है, खुम्स निसाब सोने के अतबार से 1.5 तोला बनता है, तो 7.5 और 1.5 तोला ये 9 तोला हो गया। तो अब यहाँ पे पूरे 7.5 तोला की भी ज़कात देंगे और जो इजाफी 1.5 तोला खुम्स निसाब की मकदार है इसकी भी ज़कात देंगे। सही, अब इनका जो सवाल था कि वो 10 तोला सोना किसी के पास है तो 10 तोला सोने पे ज़कात किस तरह अदा की जाएगी, तो 7.5 तोला सोना निसाब के बराबर है, अब इससे ऊपर जो जायद हैं वो हैं 2.5 तोला। सही, तो अब हमने यहाँ देखना है कि जायद सोने में खुम्स निसाब कितनी बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ 7.5 तोले का जो खुम्स निसाब है वो 1.5 तोला है और यहाँ 1.5 तोला 9 तोला होने पर बन जाएगा, इजाफी जो 1 तोला है 10वां, इस 10वें तोले में चूँकि खुम्स निसाब नहीं बन रहा तो ये मुआफ़ है। ठीक, तो गोया इनको जो ज़कात देनी है जिसके पास 10 तोला सोना हो और इसके पास रुपये पैसे चांदी माल तिजारत कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 तोला ही सोना था, तो उसको ज़कात 9 तोला सोने की देनी होगी, 7.5 तोला ये निसाब वाली और जो इजाफी 1.5 तोला जो खुम्स निसाब है इसकी ज़कात इस पर लाजिम होगी, तो गोया ये 9 तोला सोना की ज़कात अदा करेगा, जो इजाफी 1 तोला है शरीयत मुताहरा ने उसकी ज़कात मुआफ़ फरमाई है। और अगर इसके पास चांदी भी है और चीज़ें भी हैं तो अब हाँ, अगर चांदी भी इसके पास है, इसके पास माल तिजारत है या रुपये पैसे प्राइस बॉन्ड मुल्की गैर मुल्की करेंसी है, तो इस सूरत में अब जो है ना वो 7.5 तोला सोने से जायद जितना भी सोना है 10 तोला तक उसको और रुपये पैसे चांदी है तो उन सबको मिलाकर अब उसका जो 40वां हिस्सा होगा वो ज़कात में अदा करेंगे। तो सारा ही मिला देंगे, सारा टोटल पे 40वां करेंगे।